जब हम आईएएस और पीसीएस की बात करते हैं तो बहुत से लोग तो घबरा जाते हैं, अरे हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ये होता। देखिए ये बड़ी चीज़ क्यों होती है, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जिन बच्चों ने ध्यान दिया वो बच्चे सिलेक्शन लेकर के सिंसियरिटी से निकल गए और चले गए। तो इसका मतलब समाज में ब्यूरोक्रेट्स की स्थिति कहीं ऊपर रखी गई है, उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो अगर तो ये ब्यूरोक्रेट बनते कैसे हैं, वहाँ पहुँचते कैसे हैं, उसके लिए एग्ज़ाम है, उसके लिए एक सिस्टम है, उसके लिए एक पैटर्न है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है सर जिसकी बात कर रहे हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, या स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज में पीसीएस हो गए, एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपीएस हो गए, ये सब कौन लोग हैं, ये सब लोग वहाँ पहुँचते कैसे हैं, इनको कौन सिलेक्ट करता है। तो अगर हम आईएएस की बात करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेंगे, तो यूपीएससी एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी ये है कि पूरे देश में अच्छे से अच्छे बच्चे, क्रीम बच्चे, उनको छांट करके ऐसी जगह बैठाना, ऐसी जगह भेजना है ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में, शासन में, व्यवस्था में भेजना है, जो इस पूरे देश को संचालित कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये कुछ अच्छे ब्रेन्स होने चाहिए, और वो अच्छे ब्रेन, अच्छे दिमाग, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आएंगे, उसकी छटनी करने की व्यवस्था यूपीएससी की है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, और इस एग्ज़ाम की तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या है, पहली प्रारंभिक परीक्षा है, प्री जब क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आपकी मेंस परीक्षा होगी, और मेंस जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जरा समझिए कि जब फॉर्म निकलता है तो लगभग 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, ठीक है, और वैकेंसी पता चला 1000 है, तो उस 10 लाख लोगों में से 1000 लोगों को चुनना है, और उन 1000 में से ऊपर के 100 या 150 या 200 लोग आईएएस बनते हैं, फिर 100 लोग कुछ आईपीएस बन जाते हैं, फिर कुछ आईएफएस बनते हैं, इस तरह की व्यवस्था चलती है। तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख 12 लाख लोगों में से कोई अगर एक चुन के जा रहा है तो उसने मेहनत करी होगी, ठीक है, उस व्यवस्था में जाने के लिए कड़ी मेहनत का सहारा लिया होगा उसने।